क्या समस्या कुछ नहीं है गुंडों से, आप मेरे को मरवा दीजिए। रीवा जिले के पृथक नवगठित मऊगंज जिले के विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंचकर गुंडों से रक्षा करने की बात कहते हुए एसपी और एडिशनल एसपी के सामने दंडवत हो गए। पहले ये वीडियो देखिए। समस्या कुछ नहीं है गुंडों से, आप मेरे को मरवा दीजिए। बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आई जी ने बोला है प्रदीप पटेल का कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप बोले हो, आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो आप। जब ये घटनाक्रम चल रहा था, तब यहाँ मौजूद प्रतिनिधि ने अपने मोबाइल से इसे कैद कर लिया। बीजेपी विधायक का आरोप है कि पुलिस लगातार अपराध को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं और लगातार जिले में नशे का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। बीजेपी विधायक ने एडिशनल एसपी की चरण वंदना की। फोन पर बातचीत के दौरान वायरल वीडियो को लेकर मऊगंज बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि हर रोज नशे के कारण चोरी लूट जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है, मगर पुलिस की टीम मौन बनी हुई है, इसलिए अब वे खुद ही कार्रवाइयों को लेकर पुलिस के सामने लामबंद हुए हैं। मऊगंज विधायक द्वारा साक्षात दंडवत होने के वीडियो को देख कर लोग तो हैरान हैं ही, पुलिस अधिकारी भी सकते में हैं। बता दें कि मऊगंज विधायक इससे पहले भी हैरत अंगेज कारनामे करते हुए मीडिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं, जो अपनी ही सरकार की व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। कहा तो जाता है कि अपनी गाड़ी में भी गद्दा और कंबल लेकर चलते हैं, ताकि कहीं धरना देना हो तो आसानी हो जाए। बुधवार को मऊगंज विधायक द्वारा पुलिस अधिकारियों के सामने दंडवत होकर गुंडों से रक्षा करने की मांग करते हुए उनसे गुहार लगाई गई। इस मामले में मऊगंज एसपी रसना ठाकुर का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी उन्हें मिली है। विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा एक पत्र भी दिया गया है, उन्होंने नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। आईजी के मार्गदर्शन में पहले ही नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। कुछ अन्य मामलों को लेकर भी विधायक ने मांग की है, जिसके लिए हम टीम गठित कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो मेरी भी जानकारी में आया है और आदरणीय विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है, उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है। और विगत कई दिनों से हम लोग इसमें आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में कार्रवाइयां नशे के विरुद्ध करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7 क्विंटल गांजा पकड़ा था और अवैध शराब और कोरेक्स पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। माननीय विधायक जी ने कुछ जानकारियां और हमारे संज्ञान में लाई है, तो उसके लिए हमने टीम का भी गठन किया है और हम जो है आगे भी इसी तरह से नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां करते रहेंगे।